हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरोड़ा व्लॉग्स। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन हु सपोर्टेड माय लास्ट वीडियो। बिल्कुल रैंडम वीडियो थी, विदाउट एनी एडिटिंग मैंने फ़ोन पे डाली, सो थैंक यू एवरीवन। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ई कॉमर्स के बारे में, तो इस बार भी मैं उसी बार ई कॉमर्स में आपको डिटेल में बताऊँगा और हम डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और आप अपने स्किल सेट के हिसाब से उन डिपार्टमेंट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो लेट स्टार्ट। तो गाइज, वैसे तो ई कॉमर्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट और फंक्शंस होते हैं, बट हम बात करेंगे ओनली इट्स मेजर डिपार्टमेंट, मतलब फोर मेजर डिपार्टमेंट्स जो इस इंडस्ट्री के हैं। एंड आई टेल यू अबाउट माई ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं कोई गूगल या विकीपीडिया से आपको नहीं बता रहा हूँ, दिस इज वट आई हैव ऑब्जर्व, सो दैट इज वट आई एम टेलिंग यू। तो सबसे पहले बात करें तो ई कॉमर्स है क्या, वट एग्जैक्टली इज ई कॉमर्स। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कॉमर्स मतलब बिजनेस, और जो भी बिजनेस इंटरनेट पे हो रहा है दैट इज ई कॉमर्स। तो इसमें आपका ई रिटेलिंग, पेमेंट गेटवेज, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, फूड डिलीवरीज, कैब रेंटल्स, तो दीज ऑल कंसिस्ट ऑफ ई कॉमर्स। मतलब ये सब मिला के ई कॉमर्स का ही पार्ट है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी या सिर्फ दो तीन कंपनियों को ई कॉमर्स बोलेंगे, मतलब ये सब कुछ जो भी बिजनेस हो रहा है वो सब ई कॉमर्स का ही पार्ट है। तो इसके जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब अगर पहला डिपार्टमेंट बात करूं, सबसे मेन डिपार्टमेंट, तो ये होता है डेवलपमेंट। अब आपको कहोगे गाइज ये डेवलपमेंट होती क्या है, ये क्या डेवलप करते हैं? तो गाइज, जैसे कि ये कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे वो छोटी है, बड़ी है या स्टार्टअप है, इन सब कंपनीज का एक वेब पेज होता है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है और एक इनकी एक फोन एप्लीकेशन होती है जो आप नॉर्मल सभी यूज करते हैं। इन सब वेब पेजेस और एप्लीकेशंस को डेवलप करने का काम आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स का, मतलब दे आर द कोर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम। अब अगर आप अगर बीएससी परस्यू कर रहे हैं, बीटेक परस्यू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो गाइस यू हैव अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ी कंपनियां ही हैं जो हायर करती हैं, स्टार्टअप्स भी होते हैं और अपने स्किल और लेवल के हिसाब से हर कंपनियां डेवलपर्स हायर करती हैं। सो आप अगर थोड़ा सा भी ऑनलाइन इस पर ट्रेनिंग करेंगे जाके, अगर थोड़ी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लेते हैं या कुछ टेक्निकल कोडिंग सीख लेते हैं, सो यू कैन गो एंड बिकम अ डेवलपर ओवर देयर। तो गाइस, ये हो गई हमारी डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो मेजर डिपार्टमेंट आता है वो होता है इसका वेयर हाउसिंग या फुलफिलमेंट। मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े इनके वेयर हाउसेज होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसमें आपने सुना होगा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके एक सिस्टम होता है, मतलब कि कहाँ से माल आएगा, कैसे प्रोक्योर होगा, कैसे वो सप्लाई चेन के थ्रू पास होगा, तो ये सारा काम आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और जो मेन फंक्शन रहता है वेयर हाउसिंग का, मतलब अगर आपका रिटेल का भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो दे विल कंसीडर यू फॉर दिस डिपार्टमेंट। मतलब वेयर हाउसिंग में बल्क में बंदे चाहिए होते हैं और बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें ये मैनुअल और मशीन दोनों काम करती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर रोबोट्स काम करते हैं और साथ साथ में इतने लोग भी वहां काम करते हैं, तो यू कैन गो एंड अप्लाई इन दिस सेक्टर फॉर वेयर हाउसिंग। मतलब आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अगर कोर्स कर रखा है तो यू कैन गो एंड अप्लाई ओवर देयर। गाइस, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेवलप हो गया और वेयर हाउसेज में प्रोक्योर होना भी शुरू हो गया, लेकिन अगर हमारी दुकान से कोई सामान ही नहीं खरीद रहा तो उसका क्या फायदा? तो थर्ड और जो मेजर डिपार्टमेंट आता है इसमें वो होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो किसी भी कंपनी का ये बहुत मेजर डिपार्टमेंट रहता है और यहाँ जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है एमबीए ग्रेजुएट्स की। तो आपको बहुत सारे लोग अगर कोई मिलते हैं कहते हैं यार एमबीए की अब कोई वैल्यू नहीं है, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ऐसे लोगों से आप कोई डिमोटिव बनी हुई जूत नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, अभी आपके पास फ्री टाइम है, अगर आप वो स्टडी कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी ही देगी, सो दैट इज फॉर श्योर। सो आपने एमबीए ग्रेजुएट अगर हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत हाईफाई कॉलेज से करना है, आप कहीं से भी एमबीए करें वो आपको फायदा जरूर देगी, बिकॉज यू आर एडिंग योर स्किल। आपने स्किल ऐड कर ली तो वो आपको फायदा देगा ही देगा। तो अब अगर मैं जो चौथे डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो है कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस। भाई, आज की डेट में अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दे रही है, तो कस्टमर आज की डेट में उसे जल्दी टाटा बाय बाय कर देते हैं। मतलब वो भूल जाते हैं और दूसरी अच्छी कंपनी में स्विच कर जाते हैं। तो कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि ये कंपनियां कुछ अपनी कैप्टिव होती हैं जो खुद ही कस्टमर सपोर्ट देती हैं और कुछ ये काम आउटसोर्स कर देती हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर को। तो इसमें आपका ईमेल, चैट और कॉलिंग तीनों जॉब होती हैं, जिसमें आपको कोई डिग्री जरूरी नहीं, एनी डिग्री, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, नॉट ओनली इंग्लिश, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही चाहिए,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं और हिंदी भी होती है, तो उसमें भी आप अच्छे से एक जॉब ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है। डिग्री है, कस्टमर सपोर्ट इज गुड ऑप्शन फॉर यू। और बहुत सी कंपनियां तो गाइज ये ऑप्शन बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम कर दिया, मतलब आपको अपने घर से ही काम करना है। मतलब ये हाउसवाइफ्स के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो चाहते हैं कि हाँ ये काम भी करते रहे साथ में और घर भी मैनेज करें, तो मतलब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। कि आप बहुत टाइम से अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनियां ये ऑफर कर रही हैं इस टाइम पे कि आप ये कस्टमर सपोर्ट जो है फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन प्रोवाइड। तो गाइज इसके अलावा भी बहुत सारे मिसलेनियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जो एक ई कॉमर्स कंपनी को प्रॉपर फंक्शनिंग में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या कुछ डिलीवरी टीम हो गई, या लोकलाइजेशन टीम हो गई, जिस कंपनी के बहुत सारे मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो इफ यू हैव दो स्किल्स सो यू कैन गो फॉर देम। और एक चीज होती है गाइज यहाँ पे, आप इन कंपनीज में इन जॉब्स में अप्लाई कैसे करेंगे? गाइज इन सब कंपनीज के ज्यादातर आजकल पोर्टल होते हैं, वेब पोर्टल होते हैं, और उसमें करियर सेक्शन होता है, तो आप उस करियर सेक्शन में क्लिक करें और देखें कि डिफरेंट पोजिशंस आपको ओपन हो जाएंगी, सो यू कैन गो एंड अप्लाई ओवर देयर। या आज लिंक्डइन प्रोफाइल है तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क है वो जॉब्स का, आप हर कंपनी का एक लिंक्डइन पेज होता है, आप उस पर जाके अप्लाई करो और अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो यू विल गेट अ कॉल। तो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव गाइज इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय।